चाइना जॉब बुकिंग आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कार एंड मशरूम की इसके लिए मुझे चाहिए एक अनियन, ये हम दो लोगों के लिए बना रहे हैं। इसको मैंने स्क्वायर पीस में कर लिया और इसको ऐसे छोटा छोटा इसका निकाल लिया ऐसे, ये देखिए ऐसे करके ये स्क्वायर में निकाल लिया। और मशरूम 50 ग्राम करीब मशरूम लिया है, 50 ग्राम और इसको मैंने बॉईल कर लिया इन दोनों को और मशरूम को। कैप्सिकम इसको भी मैंने स्क्वायर पीस में देखिए ऐसा कट किया है, ये देखिए ऐसा कट कर लीजिए। लहसुन अदरक का पेस्ट इसको मैंने कूट लिया है छोटा छोटा। 1 स्पून मैदा, काली मिर्च और सॉल्ट गैस को ऑन कर लीजिए, ये गर्म हो जाएगी तब इसमें 1 स्पून ऑयल डालिए, बस ओनली 1 स्पून, ज़्यादा नहीं। ये जब हॉट हो जाएगा तब हम ये प्याज को मैंने तोड़ा था स्क्वायर पीसेस में, जो हॉट हो जाएगा तब मैं इसको डाल दूंगी। बहुत ही अच्छी सब्जी है खाने के लिए, फटाफट बन जाती है। देखिए हॉट हो गया, अभी मैंने अनियन इसमें डाल दिया जो स्क्वायर पीसेस में काटा था, इसको मैंने इसमें डाल दिया। कैप्सिकम भी डाल दीजिए, भूनना है ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इसको भून लीजिए। हल्का सा भून जाए जब इसमें ये कॉर्न डाल दीजिए, बॉइल्ड कॉर्न। इसको मैंने बॉईल कर लिया था, प्याज लहसुन का पेस्ट, ये भी इसके साथ भुन जाएगा। जल्दी बनने वाली रेसिपी है वेजिटेबल, बच्चों के टिफिन में भी आप दे सकते हैं, डिनर में भी बना सकते हैं। इसमें मशरूम डाल दीजिए, बॉइल्ड मशरूम, इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया था। इसमें आप 50 ग्राम पनीर भी डाल सकते हैं, 50 ग्राम पनीर भी डाल दीजिए। वन स्पून सॉल्ट, ये अपने सॉस के अनुसार। हाफ स्पून काली मिर्च और 2 लौंग, इसको मैंने कूट लिया था या किसी भी ले सकते हैं आप। इसको हल्का सा भून जाएगा, ये वन स्पून मैदा,
बिल्कुल इसको आप चला दीजिए अच्छे से, जिससे ये मैदा भी भून जाए, इसी में पड़ेगा। बिल्कुल हल्का सा सोया सॉस, बहुत जरा सा। वन स्पून सिरका व्हाइट विनेगर चला दीजिए अच्छे से। सोया सॉस डालने से अच्छा स्वाद आ जाता है। मशरूम और कॉर्न मैंने जब उबाला था तो इसका थोड़ा अब इसका वन स्पून पानी इसका उबले हुए मशरूम और कॉर्न का पानी बॉइल जो निकाल लिया था हल्का सा मैंने, बस इसमें डाल दीजिए। ये देखिए वेजिटेबल हमारी तैयार हो गई है। आप गैस को ऑफ कर दीजिए। अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी इसके साथ शेयर कर सकते हैं।